कभी आप गाँव का नाम कर रहे हैं, मेदड़ में आई हैं, आप तो राशन सबके लिए है, आपके लिए आपको अपमान छोपड़ी हुई है, अरे भारतीयों के लिए राशन नहीं है, आपको दादा जान है, उनकी जान ऐसी आपकी हरकत ही नहीं है ऐसी वाली, जिसने पहले अपने आप को लगाया उससे उससे पूछते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं उसीद जमाल हुसैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल सियालकोट के अंदर एक वाकया पेश आया कि जहां पर डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब ने एक एसी को झाड़ पिला दी और ये वीडियो और ये वाकया एक्सट्रीमली वायरल हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी, और अब हर किस्म के लोग इस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा पेश कर रहे हैं। ख़ासतौर के ऊपर एक काइंड ऑफ ग्रुपिंग सी दिखाई दे रही है, जो PTI प्रो लोग हैं वो ये डॉक्टर साहब को ठीक कह रहे हैं और एसी ट्यूनिंग समथिंग लाइक दैट की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और जो अपोजिशन नून लीग या बाकी हैं वो एसी साहबा के हक़ में हैं और डॉक्टर साहबा के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। हमारा मसला यह है कि हम हमेशा जिस किसी चीज़ को भी एनालाइज़ करते हैं ना, वो पसंद और नापसंद के ज़ुमरे में रख कर करते हैं। अब कल हुआ क्या, बेसिकली जब भी जहाँ पे भी कोई इस तरह का सस्ता बाज़ार गवर्नमेंट लगाती है तो उसके अपने SOPs होते हैं, चाहे उसका जो फ्रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे, उनके रेट्स किस तरह के होंगे, या फिर उस उधर किस किस्म के मैनेजमेंट की जाएगी, किस किस्म के इंतजाम होंगे बैठने का, या फलां चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक SOPs के तहत बनाया जाता है। हमने ख़ुद भी लाहौर में उसे कई मरतबा इन चीज़ों को देखा है। अब कल अगर आप देखें तो कल हमें उस तरह के इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे थे, और ख़ासतौर के ऊपर हमारे यहाँ तो वैसे भी कल्चर है कि जब कोई VIP मूवमेंट हो या कोई विज़िट हो तो फिर चीज़ों का मज़ीद ख्याल रखा जाता है। कल अगर AC साहबा और डॉक्टर साहबा के आने के बावजूद भी वहाँ पे हालात ये थे, तो फिर नॉर्मल हालात में अंदाज़ा किया जा सकता है कि वहाँ पे उनके इंतजाम कैसे हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो AC साहबा हैं या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम नज़र आती है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इससे एक स्टेप हम आगे जाएँगे, बात यह है कि चाहे कोई AC है कि DC है कि कोई चीफ सेक्रेटरी है कि कोई चपड़ासी मुलाजिम PN की सीट के ऊपर है ना, ये तमाम के तमाम किसी शख्स के मुलाजिम नहीं होते, ये रियासत के मुलाजिम होते हैं। अब इनके साथ ट्रीट कैसे करना है, अगर ये अच्छा करें या बुरा करें तो किसी बंदे की ज़ाती मर्ज़ी नहीं होगी कि वो अपनी ज़ाती मर्ज़ी के तहत तो उनको जिस तरह हार्शली ट्रीट करे, अच्छा करे। आपने क्या करना है, जो आइन कानून कहता है या जो रूल्स ऑफ द बिज़नेस कहते हैं ना, आपने उसके तहत उनके साथ बात करनी है। अब कल जो कुछ हुआ, ठीक है, अगर AC साहबा की जो चीज़ें थी उनको अगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह पूरी नहीं की, तो डॉक्टर साहब को चाहिए था कि आप उनके खिलाफ़ तदीबी करवाई करें, आप चीफ सेक्रेटरी को कहें, आप वज़ीर आला को कहें, जो आइन कानून के मुताबिक उनको जो सजा देनी चाहिए थी आप ज़रूर दें, बट ये कोई हक आपके पास नहीं है कि आप किसी बंदों के साथ डायरेक्ट यूँ सरेआम पूरी दुनिया के सामने और मीडिया के सामने उनसे इस तरह हार्शली आप एक्ट करें या बिहेव करें, वो चीज़ अपनी जगह पर डॉक्टर साहबा की भी गलत है। अब इन दोनों चीज़ों को नज़र साइड पर रखते हैं, इससे आगे की जो चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या फिर हमारा जो मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, तो एक तो ये नाम भी बड़े मज़े का है ना, अफसर शाही, ठीक है जी, तो ये तमाम लोग जितने ने लेस आर मोर ये अनटचेबल खुद को तसव्वुर करते हैं। इन सब की अगर आप ग्रूमिंग देखें, इनकी ट्रेनिंग जो होती है ना, वो कहीं पे भी ये दिखाई नहीं देता कि ये लोगों को सर्व करने आ रहे हैं। हमारे यहाँ आज भी वही सिस्टम है कि जब जो ब्रिटिश वाले लोग लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने पंजों में रखने के लिए जिस तरह ट्रेन करके उन्हें ज़िलों में SC DC लगवाते थे या अफसर लगाते थे, हमारा आज भी वही सिस्टम है। पूरी दुनिया में जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल बंदे होते हैं, उनका बेसिक काम ये होता है कि उन्होंने लोगों को सर्व करना है, उन्होंने लोगों के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जिसके तहत तमाम माशरे के अंदर जितने भी लोग हैं किसी रियासत के अंदर, वो एक अच्छी खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। बट हमारे यहाँ कोई ना पोलिटिकल सिस्टम जो कल्चर है ना, वो बिल्कुल उल्टा सा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको ये नहीं लगता कहीं भी कि जो हमारे जो अफसर लोग हैं या बड़े लोग जिसे हम कहें वज़ीर मशीर हैं या AC DC हैं, कि उनके तस्वर में कहीं भी ये होता है दे आर देयर टू सर्व पीपल। उनके जहन में कहीं ना कहीं ये दैट वी आर प्रेजेंट हेयर टू रूल द पीपल नॉट टू सर्व देम। अब मिसाल ले लें कि जब भी ये किसी विज़िट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये तस्वर नहीं होता यार कि ये चेक एंड बैलेंस चीज़ों का रखना है, उनको बेहतर करना ये हमारा फ़र्ज़ है और हमने इन चीज़ों को ठीक करना है ताकि हमारा जो सोसाइटी का जो सिस्टम है वो ठीक चले। यहाँ पे दूजी पूरी एक लाओ लश्कर के साथ एक एंट्री होती है। अब वज़ीर मशीर आएगा तो उसके साथ जो सिविल सर्वेंट्स का पूरा एक लश्कर होगा, और अगर AC DC आएगा तो उसके पास पुलिस और बाकी लोग होंगे, और एक बादशाह सलामत की तरह एक जैसे कहते हैं ना एंट्री देंगे, और बस फोटो सेशन होगा और जी बस थोड़ा सा गुस्से शुस्से किए, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, आगे पीछे करो, कहानी ख़त्म, ठीक हो गया। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि अगर कोई AC या DC है या इवन कोई मिनिस्टर है, तो हमारा नॉर्मल बंदा जो है, कोई गरीब बंदा, उनको तो रीच अप्रोच नहीं कर सकता।
यार इज़ इट पॉसिबल कि वो लोग जो मेरे मसले हल करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, वो मेरे मसले हल करेंगे? यार अब ऐसी लगे हुए कमरों के अंदर और ऐसी लगी गाड़ियों के अंदर तो आपको मसले नहीं दिखाई देंगे, आपको गंदगी तो उन दफ्तरों के अंदर दिखाई नहीं देगी, आपको महंगाई का तो पता नहीं चलता जब तक, जब अगर आवाम की अप्रोच ही आप तक नहीं है, आपका आपस में इंट्रैक्शन ही नहीं है, तो देन हाउ कैन यू बी एबल टू सर्व देम, या उनके लिए आप ज़िंदगी में बेहतरी कैसे पैदा कर सकते हैं? अब ये जो चीज़ है ना, ये कोई सिंगल, इसे आप नहीं कह सकते जी को बस को मसला हो गया है, कौन ठीक है कौन गलत है। ये प्रैक्टिकल असल में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरे का पूरा, ये उसके फ्लाज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अब पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना जी, वो बनता किससे है जी? पॉलिटिकल कल्चर से बनता है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से बनता है। अब स्ट्रक्चर तो चलें जो आपके पास हैं वो आस्ता आस्ता, अब हम ये तो रिफॉर्म्स की बात तो हम कर रहे हैं, बहरहाल वो रिफॉर्म फिलहाल होते दिखाई हमें नहीं दे रहे। अब एक पॉलिटिकल कल्चर है, कल्चर वो है कि अवाम किस तरह ट्रीट करती है, किस तरह एक्ट करती है, किस तरह बिहेव करती है पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, उसे क्या पता है कि नहीं है। बहरहाल हर गुजरते दिन के साथ ना हमें कहीं ना कहीं इतना पता लग रहा है कि लोगों को ठीक है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट लेवल की या जिसे ऑब्जेक्टिव लेवल की वो अप्रोच तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अब ये दिलचस्पी ले रहे हैं, इन्हें पता है, कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं, गलत देखते हैं तो उसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक देते हैं तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो कल्चर है ना, अगर इसकी चेंजिंग अवाम से आएगी ना, अवाम ख़ुद को इस लेवल तक ग्रूम कर लें, खुद को इस लेवल तक पॉलिटिकली अवेयर करें, खुद को एजुकेट करें कि उनको राइट और रिस्पांसिबिलिटी का पता हो, अपनी का भी पता हो और दूसरों का भी पता हो। हाँ, हमें इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना होगा कि ये जो हम मोर्चाबंदी बना लेते हैं ना, कोई इस तरफ कोई इस तरफ, पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को वो प्लेस करना, वो यकीनन हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उससे हमें बचना होगा। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम है, ये जो हमारा, इसको तो आप बिल्कुल बुसीदा निज़ाम तो आप कहते हैं कि जहाँ के अंदर एक क्लास सिस्टम है, हर नीचे वाला अपने ऊपर वाले से दब के रहता है, अब उस ऊपर वाले से ऊपर एक और है, उससे ऊपर एक और, उससे ऊपर एक और है, हर जो बंदा है वो अपने नीचे वाले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह उससे ऊपर वाला जो है वो उसको दबाएगा, और यूँ एक ट्रिकल डाउन सिस्टम हमेशा चलता रहता है, और एट द एंड मसले किसको होते हैं? अवाम को होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये जो बिहेवियर है, ओवरऑल जो कल्चर है हमारा पॉलिटिकल, ये हमारा जितना भी लीड स्ट्रक्चर है, ये किसी एक की बात नहीं है, चाहे पॉलिटिशियंस हैं जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं, या फिर आप जुडिशरी को देखें, चाहे आप ये सिविल सर्वेंट्स की जो इनको देखें, आप मिलिट्री को देखें, जिसको मर्जी आप देख लें, आपको दिखाई देता है कि जो एलीट स्ट्रक्चर है ना सारे का सारा, इन तमाम के बिहेवियर भी और कल्चर सारे का सारा एक सिस्टम है, और जहाँ पे इनके तस्वर में ये चीज़ है दैट वी हैव टू रूल द पीपल, हमने अपनी बादशाह मनवानी है यहाँ पे, हमने लोगों को जैसे कहते हैं ना द्रोप दबदबे में रखना है, यहाँ पे तो वो कहीं पे ये दिखाई नहीं देता कि जी ये बंदे कोई आवाम को सर्व करने हैं, कभी प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर जी सारे रोड बंद हैं, कौन जी एसी साहब जा रहा है, कौन जी जनरल साहब जा रहा है, कौन जी वजीर साहब जा रहा है, यानी जो आवाम के लिए जो चीज़ें हैं, जो आवाम को सर्व करने के लिए आए हैं, आज आवाम की ज़िंदगी में 80% मसले इन्हीं उन सर्व करने वाले बंदों की वजह से बने होते हैं। सो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम, जो कल्चर या जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक एवोल्यूशनरी सिस्टम के तहत आस्ता आस्ता बेहतर होते हैं। बहरहाल हमें इन चीज़ों के अंदर इस तरह है कि हम अगर बेहतर निज़ाम चाहते हैं तो अवाम को अपने तई, जो काम तो मीडिया का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का या गवर्नमेंट का है, बट अगर वो नहीं कर रहे क्योंकि उनका तो अपना सिस्टम है, तो अवाम को ख़ुद को इस लेवल तक एजुकेट करना होगा, ख़ुद को अवेयर करना होगा, एजुकेट करना होगा कि वो इन तमाम लोगों को, चाहे तमाम लोग एक तरफ दूसरी तरफ नहीं, ये नहीं कि आप कभी आप एक की तरफ से हो कि दूसरे को अटैक करें, दूसरी की तरफ से पहले को करें और आपको अपने राइट का पता ही ना हो, आप बीच में बेशक पिस रहे हों पर आप इन दोनों के हकूक़ की हमेशा बात करते रहें। आवाम को ये पता होना चाहिए हमारे हकूक़ क्या हैं और ये सारे लोग किस लिए हैं, ये हमें सर्व करने के लिए हैं और हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमने आईन और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है ताकि रियासत इसी तरह चलती है। थैंक यू वेरी मच।